नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मेघा भिंग, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ के प्रथम नगर आगमन पर उनका और पत्रकारों का स्वागत सम्मान कर अशोक भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर नववर्ष मकर संक्रांति और 26 जनवरी की क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर अपील की है कि मास्क लगाएं, गाइडलाइन का पालन कर अपना और अपनों का जीवन सुरक्षित बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष की भांति भारद्वाज निवास महगांव में निशुल्क नेत्र परीक्षण कैंप लगाया जाएगा, जिसमें निशुल्क परीक्षण और इलाज हेतु अवश्य पधारें। आगामी 26 जनवरी को विगत 3 वर्षों से जो हम रतन ज्योति नेत्रालय के सहयोग से यहाँ आई कैंप लगाते हैं, उस आई कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, यह भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि क्षेत्र में इस बात का भी संदेश दें कि जो भी आँखों का चश्मा नहीं बना है, जो बुजुर्ग हैं, जो आँख दिखाना चाहते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, वो सभी लोग यहाँ 26 तारीख को सुबह 10 बजे से रतन ज्योति नेत्रालय की टीम आ रही है, उसके साथ यहाँ शामिल हों और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ, नए वर्ष की शुभकामनाएँ और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपका ये कार्यक्रम रखा था अपने पत्रकारों का सम्मान वगैरह, किस उद्देश्य से रखा गया? उद्देश्य सभी साथियों के साथ मुलाकात हो जाती है ऐसे बहाने पे। अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, मकर संक्रांति भी है कल और कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, ऐसा लगभग संकेत हो चुका है अपन मीडिया के माध्यम से और आसपास के वातावरण में पता लग रहा है कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। तो आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करके सब लोगों के साथ एक ही चर्चा हुई, यही कहना चाह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए सचेत करते रहें, सब लोग जागरूकता बनाए रखें और प्रयास करें कि सारे काम होंगे। न बाजार बंद करने की इच्छा है, अगर शासन सारे काम रोक देगा, लोग शासन से ये अपेक्षाएँ नहीं करें, सारे काम रोक देंगे तो विकास रुक जाएंगे और देश का विकास, प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास सभी आवश्यक है, तो हमें अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालना है। महगांव भिंड से खबर समय जगत के लिए जितेंद्र दंडोतिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।